महिलाओं से ही यह संसार चल रहा है। जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा सहन कर वो साबित करती है कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली एक महिला ही है। समय समय पर महिलाओं ने साबित किया है कि वे हर वो काम कर सकती है जिसे पुरुषों का माना जाता है। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के शहर करनाल में ऐसी ही एक मिसाल पेश की है करनाल के बला गांव की महिला ड्राइवर अर्चना ने, जिसने पुरुषों का माने जाने वाले ड्राइवर पेशे को न केवल अपनाया अपितु उसे सफलतापूर्वक निर्वहन भी कर रही हैं। अर्चना को करनाल नगर निगम की बस चलाने के लिए तैनात किया गया है। 30 साल की अर्चना ने यह साबित कर दिया है कि कभी भी जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। जब दिल में कुछ अच्छा करने की लगन हो तो हर छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। अर्चना ही नहीं, उनकी कंडक्टर साथी सरिता भी उनके साथ साथ इस कार्य में उनका पूरा साथ देती है। अर्चना ने बताया कि वे हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी जो सबसे अलग हो। इसके लिए उन्होंने करनाल बस स्टैंड से बस चलाने के लिए ट्रेनिंग भी ली। आज अर्चना सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए मिसाल बन गई है। अर्चना और सरिता ने सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें अच्छा मौका दिया गया है। उन्होंने हर महिला के लिए संदेश भी दिया है और कहा कि सभी महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। अर्चना जींद के रजाना गांव में पैदा हुई थी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी धर्मेंद्र से हो गई थी, जो कि एक टैक्सी चलाने का काम करते हैं। अर्चना ने बताया कि पति धर्मेंद्र ने उनका सपना पूरा करवाने में पूरी सहायता की है। हालांकि अर्चना ने कहा कि शुरू में उन्होंने भी काफी दिक्कतों का सामना किया था, लेकिन यह लाजमी है। अब वह पूरे तरीके से अपने काम में अपना ध्यान लगा पाती है और अब कोई परेशानी नहीं है। वहीं सिटी बस में सफर करने वाले लोग भी महिला बस ड्राइवर को बस चलाते देखकर उसके हौसले की तारीफ करने में लगे हुए हैं। सफर करने वाले लोग भी काफी खुश हैं। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। करनाल में पहली महिला बस ड्राइवर और कनेक्टर लगाए गए हैं। जो अपने जुनून के बारे में बताएं। जुनून सर यही है, अभी ये जो दिल्ली में घटना हुई थी, बस के अंदर एक लड़की के साथ रेप कर लिया गया, तो मैं यही कहना चाहूँगी अब लेडीज आगे बढ़ चुकी हैं, अब ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा, और हम आगे बढ़े हैं तो और लेडीज भी हमें देख के और आगे बढ़ेंगी। तो वो क्या घटना थी वो जिसके कारण आपने बस सी? सर वो बस की घटना थी, ड्राइवर और कंडक्टर थे और 4-5 होंगे बस में बैठे थे। पहले से सर उसके बारे में क्या कहना, अब मैंने बस सीख ली और आगे भी बढ़ गई, तो उसको बोला था मैंने भी अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप बोलो भी आप दोगे मुझे नौकरी, तो हंसने लग गए। तो क्या चैलेंज क्या दिया था उन्होंने? चैलेंज यही था सर भी बस इसको आ ही नहीं सकती चलानी, सिर्फ जेंट्स ही चला सकते हैं। ये बोला यही दूंगी सर, आगे बढ़ो, जो मैंने काम किया आप भी वही करो। सर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो रोजाना आप कैसे करनाल पहुंचते और कैसे आप यहाँ बस करते? सर बड़ा गांव से आती हूँ मैं, बड़े से जलमाना स्कूटी पर, तो स्कूटी वहीं खड़ी कर देती हूँ, तो फिर असन से है ना बस आती है 5 बजे, तो उस बस में आती हूँ। 40। परिवार में कौन कौन है आपके, क्या सहयोग मिलते हैं? परिवार वाले सभी खुश हैं सर, भी कुछ अलग किया मैंने। तो उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे जो डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकलती और आपको कहीं ना कहीं दबा लेती है, उनको क्या संदेश? सर यही बोलूंगी भी आगे बढ़ो। तो महिलाओं को भी काफी आसानी होती है, आप दोनों महिलाएं कनेक्टर है जैसे सफर करने में। हाँ जी। आपका पूरा नाम है? अर्चना। महिलाएं बस एक बस चला रही है, ये मेरे को बहुत खुशी है, महिलाएं आज नौजवानों से आगे है और कनेक्टर जो बस को ड्राइवर चला रहे हैं लेडीज, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ से कि इसके संभाले हुए है, लेकिन आजकल जो नौजवान है भी लेडीज आगे चल रही है। तो आपको कैसा लगा था बस में सफर करते हुए? बहुत ही अच्छा लगा। तो किसी तरह का डर और भय तो नहीं लगा आप सफर कर रहे हैं बस में? नहीं, डर किस चीज़ का है, जब उसको बस को चला रहे हैं तो डर कैसा? तो और महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें खुशी है, अभी आगे बढ़ रही है और इससे ऊपर तो क्या हो सकता है। दलबीर सिंह। बस यही बोलना है कि बस में पहली बार सफ़र करके देखा, बसों में सफ़र तो पहले बहुत किया है, लेकिन एक लेडीज महिला जो बस को चला रही है, ये आज के टाइम में वैसे तो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। बहुत जगह देखा है लेकिन लेडीज़ को नहीं देखा अभी तक। बस ड्राइवर, जो ड्राइवर देखा जो पहली बार बस में सफ़र किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। नहीं, कोई डर नहीं होता क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम से चला रही हैं, एक्सपीरियंस भी हो गया होगा उनको। तो काफ़ी जगह गए हम, दिल्ली भी गए, चंडीगढ़ गए, लेकिन ये अभी करनाल में फैसिलिटी पहली बार महिला ने उठ के कदम उठाया ना, जो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? मुकेश। देखो मैं तो यही कहूँगी सर कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा मौका दिया है सरकार ने ये हमें, और मैं तो ये कहूँगी कि आगे भी औरों को भी ये मौका मिलना चाहिए। जो बाहर नहीं निकलती घर से, उनको घर से बाहर निकलने का मौका दो, और उनको कोई भी काम, क्योंकि आजकल कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। मैं तो कहूँगी हर काम महिला कर सकती है, तो उनको मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का, और सोच भी सपोर्ट भी मिलना चाहिए उन्हें। हाँ जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत मतलब कुछ ने बहुत बोल भी किए, कुछ ने ताने भी दिए, पर फिर भी जो कदम उठाया है तो देखो। तो कैसे संभालते हो आप बस को, कैसे चलाते हो दोनों, कहाँ से? हाँ, हमारी ड्यूटी अब तो ये बूटाखेड़ा से नई जेल तक लगी हुई है। नई जेल से फिर बूटाखेड़ा, ऐसे ये रोटेशन है, बस स्टैंड से होते हुए, कमेटी चौक से होते हुए, ऐसे बस को चला रहे हैं हम। अभी तो ठीक है, वैसे दिक्कतें तो देखो आती है हर एक काम में, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसमें आसानी से सफर कर सकती है। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल कर सकती है सर। दिल्ली में घटना हुई थी बस के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं। हाँ जी नहीं, इसमें बिल्कुल सेफ है, वैसे भी इसमें सेफ है, हमारी और भी बसेज हैं, सिर्फ यही नहीं है कि ये महिला होने के नाते सेफ है, वैसे भी ये सेफ है, हर एक बस में ऐसे ही है, सेफ ट्रिप है। हाँ जी सभी सफर करते हैं इसमें। सर मैं तो यही कहूँगी कि वो थोड़ा सा मतलब कि सोच को अपनी बदले, जिनकी सोच ये है कि महिला कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी सोच को बदले और महिलाओं को पूरा मौका दे ऐसे बाहर जाने का, हमारा साथ देने का, हमारा सपोर्ट करे। मेरी तो सभी महिलाओं से ये गुजारिश है कि वो हमारा सपोर्ट करे। आपका पूरा नाम? सरिता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।